ये तो आप सब जानते हैं कि काफ़ी समय से और इन दिनों भी नेटवर्क की दिक्कतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लोगों को मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में एयरसेल की जो सिम है उसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी हाँ, एयरसेल का नेटवर्क ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और जिसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में कई बार ऐसे भी फैसले लिए गए कि एयरसेल की सिम को बंद कर दिया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, वो चेंज कर सकें अपनी सिम को किसी और सिम में। आपको बता दें कि एयरसेल का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं, कई बार आप नंबर मिलाते होंगे तो एयरसेल का नंबर ही नहीं मिलता है। आपको बता दें, कहीं से भी फ़ोन आ रहा हो या जा रहा हो तो एयरसेल का नंबर लगता ही नहीं है। हम आपको बता दें कि एयरसेल का नेटवर्क पूरी तरह से ठप है। देश भर में एयरसेल यूज़र्स का फ़ोन बंद ही पड़ा रहता है। ऐसे में एयरसेल का इस्तेमाल करने वाले लोग परेशान ही तो होंगे। ऐसे में जियो के आने के बाद कंपनी ने 6 सर्कल में अपनी सेवा बंद कर दी। आखिर क्यों नहीं लगता है एयरसेल का नंबर? क्या वजह है कि एयरसेल का नंबर बिल्कुल ही नहीं मिलता है? बता दें कि एयरसेल के यूज़र कॉल ड्रॉप और नो सिग्नल जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं। कंपनी बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 6 महीने से कंपनी कोई भी फंड नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि एयरसेल के यूज़र्स ही कम होते जा रहे हैं। बिना फंड के वो काम कर रही है। कंपनी इससे निपटने की कोशिश भी लगातार कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। कर्ज में डूबी एयरसेल नेशनल कंपनी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। जियो के आने के बाद 6 सर्कल में सेवा बंद। वहीं कंपनी को रिलायंस जियो की ओर से कड़ी टक्कर भी मिल रही है, जिसकी वजह से ही शायद एयरसेल के यूज़र्स दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। और बड़ी वजह ये भी है कि एयरसेल के नेटवर्क नहीं मिलते हैं, नंबर ही नहीं मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि कंपनी इसमें सफल नहीं हो पा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि कंपनी के CIO ने कहा है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, इसलिए कंपनी इससे प्रभावित हो रही है। कंपनी ने निवेश करने वाली मैक्सिस ने भी हाथ खींच लिए हैं। कंपनी अपने कर्जदारों से सितंबर से 15,500 करोड़ रुपये की कर्ज ले चुकी है। आपको बता दें कि कर्ज में डूबी एयरसेल ने 6 सर्कल में सेवा बंद कर दी थी। रिलायंस जियो के आने के बाद 3 कंपनियां पहले ही अपनी सेवा बंद कर चुकी हैं। अब एयरसेल ने 6 सर्कल में सेवा बंद कर दी गई है। यूज़र सपोर्ट कर रहे हैं नंबर। जी हाँ, आपको बता दें कि एयरसेल यूज़र्स जो भी हैं उन्हें अपने नंबर को पोर्ट करवा लेना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि जब किसी सिम के नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं तो लोग उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे भला? अगर कोई नंबर ही नहीं मिलेगा तो उस सिम का रख के वो क्या करेंगे? ऐसे में उन्हें अपना नंबर पोर्ट ही करवा लेना चाहिए, यानी कि चेंज करवा लेना चाहिए, जिससे कि वो सही तरीके से अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सके, कॉल अच्छे से रिसीव कर सके, खुद कर सके। अगर नेटवर्क अच्छा रहेगा तो आप फ़ोन का सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंपनी 6 सर्कल में अपनी सेवा बंद कर चुकी है। वैसे तो ऐसे में एयरसेल के यूज़र्स को जल्द ही अपना नंबर भी पोर्ट करवा लेना चाहिए। अगर एयरसेल का नेटवर्क सही होता है तो फिर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर नेटवर्क सही है तो एयरसेल यूज़र्स को और सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। नेक्स्ट 9 टेक से हिमांशी की रिपोर्ट।